नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के धार स्थित धर्मपुरी तहसील के ग्राम कोठिदा में कारा नदी पर बने मिट्टी के बांध में रिसाव के बाद पानी निकासी के लिए नहर चैनल तैयार की गई। रविवार को इसी चैनल के पास अचानक बांध धंसने लगा। इससे 2 मीटर चौड़ी चैनल अचानक 50 फीट चौड़ी हो गई। इससे पानी निकासी काफी तेज हो जाने से आसपास बाढ़ जैसे हालात हो गए। 2 गांवों व खेतों में पानी भर गया है। एक निर्माण एजेंसी का सीमेंट कंक्रीट का प्लांट भी डूब गया। इधर एहतियातन मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग सहित स्थानीय मार्गों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। इससे मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई है। तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से निकलते हुए, और आप फ्लो देखिए, एकदम नदी में पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है। और ये देखिए, पानी बढ़ते जा रहा है लगातार। पानी उफान पर प्रशासन ने सभी एहतियात बरतना शुरू करके सचेत कर दिया है। यह आपदा का समय है जिसमें सबको सावधान रहना है। कृपया तट किनारे वाले आसपास के जितने भी लोग हैं, शीघ्र सुरक्षित स्थान पहुंचें। देर शाम सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संकट टल गया है, पानी का डिस्चार्ज बहुत कम हो गया है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब कोई संकट नहीं है। प्रभावित गांवों के लोग प्रशासन के साथ गांव में जाने की योजना बना सकते हैं। आपदा प्रबंधन का सबसे उत्तम उदाहरण है कि कारम बांध के लीकेज की स्थिति से निपटने के लिए जो प्रयास किए गए वह सफल हुए। खतरा इसलिए टल गया है क्योंकि अब बांध में पानी कम हो चुका है। 15 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी से 7 MCM पानी खाली हो चुका है। 1 घंटे में बहुत तेजी से पानी निकल गया, उसके कारण 4 लेन के पुल पर पानी नहीं आया। 4 लेन के अलावा गुजरी के पुराने पुल पर भी पानी नहीं आया, इसलिए हालात सामान्य माने जा रहे हैं। कलेक्टर धार ने बताया कि एबी रोड का जलस्तर जो पुल के ऊपर से 3 फीट तक आ गया था, वो अब पुल के ऊपर से 14 फीट नीचे है। धार के सभी 12 गांवों और खरगोन के 5 गांवों से पानी नीचे आ गया है। कलेक्टर खरगोन ने बताया कि पिछले गांव जरकोटा में भी पीक फ्लो गुजर चुकी है और घरों में पानी नहीं गई है। पानी का डिस्चार्ज अब बहुत कम हो गया है, आधा रह गया। अब धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाएगा। और गांव में भी, चाहे वो धार जिले के गांव हो या खरगोन जिले के गांव, 12 गांव धार जिले के और 6 गांव खरगोन जिले के, उनमें आखिरी गांव जलकोटा, वहां पानी पहुंचा है। जब पहुंचता है तो बढ़ता है, लेकिन बाकी सब गांव में कम हो रहा है। तो वहां भी अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। और मुझे ये कहते हुए संतोष है, हमारे अमले ने, कलेक्टर SP अकेले नहीं, उनकी पूरी टीम ने, SDM हो, तहसीलदार हो, CSP, DSP हो, SDOP हो, थाने का बल हो, होमगार्ड के जवान हो, SDRF, NDR की टीम हो, पूरे समर्पण के साथ काम किया। और जनता ने, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने, विशेषकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता, जनता के लोग और सभी जनप्रतिनिधि पूरी गंभीरता से सहयोग करने में जुटे गए, जुटे रहे। और गांव की जनता को लगभग ये तीसरी रात होती आज जब गांव के बाहर, अपने घरों से बाहर रहना पड़ा। हमने कोशिश की किसी पशु की भी जान ना जाए, इसलिए सब पशुओं को भी बाहर निकाला गया। इंसान की जिंदगी की चिंता तो हुई, लेकिन पशुओं की जिंदगी की चिंता भी प्रशासन और जनता ने मिलकर की। उसके बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि सब सुरक्षित हैं, संकट टल गया है। और परसों से जिस अभियान में हम लगे थे, आज तीसरा दिन है। इस पूरी टीम ने और मैंने भी और कोई काम नहीं किया, क्योंकि एक ही जिद, जुनून और जज्बा था कि हम लोगों को बचा पाए, लोगों की जिंदगी बचा पाए, और वो हम कर पाए। इसलिए अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 18 गांव की जनता को भी
कि अब कोई संकट नहीं है। प्रशासन के साथ मिलकर गांव में जाने की योजना बना लीजिए और कल आजादी 75 स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाइए, पूरे आनंद के साथ अपने गांव में मनाइए, अपने घर में मनाइए। मैं एक बार मार्गदर्शन करने के लिए फिर प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, संपूर्ण सहायता दिलाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, जल शक्ति केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी का, सभी का धन्यवाद करता हूं। और उसके साथ साथ इस काम में पूरी टीम ने जिस समर्पण के भाव से काम किया, रात में हम देर रात तक, लगभग रात को 2:30 बजे तक बैठे रहे, लेकिन बैठने के बाद भी चैन नहीं था तो मैं रात में भी ब्रह्म मुहूर्त में भी फोन करता रहा, लेकिन आज उसके सुखद परिणाम सामने आए हैं। आपदा प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है कारम बांध के लीकेज से उपजी हुई परिस्थितियों से निपटना, और इसके लिए मैं एक बार फिर पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं।